माननीय कुलपति भी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कई बार हम लोग मिले, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सब अनुदान वाला आया है, कह दीजिए रजिस्ट्रार से मिलने के लिए। हम लोगों को मरने के कगार पर हैं, अब इस उम्र में दवा का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। आज भुखमरी की समस्या आ गई, मरणासन की स्थिति आ गई है, फिर भी बिहार सरकार या विश्वविद्यालय हमारी बात को नहीं सुन। पैसे के अभाव में कितने लोग के लड़के, कितने लोग की शिक्षा व्यस्त हो गया, कितने लोग लड़का को पढ़ाई बीच में ही उसको रिटर्न करा लिए, कितने लोग। हमारे माननीय वीसी भाई, माने भाई चांसलर महोदय ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि हम राजभवन गए थे, हम शिक्षा मंत्री के पास गए थे, हम इन लोगों की समस्या को रखे। लेकिन नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाव और आप देख रहे हैं फेरी डाउट न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता है, मुख्यमंत्री जी आज सारण जिले के छपरा में आए हुए हैं समाधान यात्रा के तहत। उसी सिलसिले में जो वितरित शिक्षक हैं, जिनकी अपनी बहुत सी परेशानियां हैं, उसकी उन समस्याओं की समाधान के लिए ये वितरित शिक्षक भी मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी समस्या क्या है। मैं लोक महाविद्यालय हाफिजपुर बनियापुर सारण में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में हूँ। बिहार राज्य शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महाविद्यालय जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के यूनिट में मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, संयोजक हूँ। हमारी समस्या ये है कि छात्र छात्राओं की उत्तीर्णता के आधार पर हम लोगों को सहायता अनुदान राशि मिलती है। 2011 का अनुदान आया विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय अपनी गलती से उस अनुदान राशि को वापस कर दिया, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। हम लोग 23 वर्ष हुआ, 12 साल हो गया, बराबर विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार से हम लोग संपर्क साधे रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर कनिये तक किसी भी पदाधिकारी के कान पर यह जू नहीं रेंगा। और अभी तक हम लोगों का पेमेंट नहीं हुआ, जिसका कारण कि 2011 का अनुदान लौटाया गया, वो अभी तक भुगतान नहीं हुआ। अन्य विश्वविद्यालयों में भुगतान हो रहा है और जयप्रकाश विश्वविद्यालय का भुगतान 2011 के चलते आज तक हम लोगों का लंबित है। यह हमारी मूलभूत समस्या है। प्राइवेट कॉलेज है, संबद्ध कॉलेज है, उसी अनुदान पर हमारा महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का जीवन निर्भर है। आज भुखमरी की समस्या आ गई, मरणासन की स्थिति आ गई है, फिर भी बिहार सरकार या विश्वविद्यालय हमारी बात को नहीं सुन रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी यही मूलभूत समस्या है। अच्छा, इसका कारण क्या है कि आपके अनुदान को रोका गया है? अनुदान रोकने का कोई कारण नहीं, विश्वविद्यालय नासमझी के चलते बिना सोचे समझे, डॉक्टर हरिकेश सिंह इसके पहले जो कुलपति थे, उन्होंने विश्वविद्यालय पर अन्य कई तरह के केस मुकदमे चल रहे थे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग में वो अपनी गलती से हम लोग का अनुदान को बिना सोचे समझे वापस कर दिया और भुगतान उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हमारी गलती है, हम उसको मंगवा रहे हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैंने जो यहाँ के अभी वीसी हैं डॉक्टर फारूक अली जी, उनका इंटरव्यू किया था। मैंने इसकी बात की थी उनसे कि जो अनुदान वाले शिक्षक हैं, वितरित शिक्षक हैं, जिनका अनुदान आता था, वो अनुदान पिछले 8 साल 9 साल से रुका पड़ा है, उनका अनुदान कब तक मिलेगा? तो उनका कहना था कि वो शिक्षा मंत्री से मिले हैं और बहुत जल्द आ जाएगा। तो माननीय कुलपति भी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। कई बार हम लोग मिले, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये सब अनुदान वाला आया है, कह दीजिए रजिस्ट्रार से मिलने के लिए, नहीं मिल पाते हैं। आप कभी हम लोगों के साथ प्रेस वार्ता में बैठने का मौका मिले तो मैं आपके सामने बोलूँगा इस बात। वो अपनी कार्य संस्कृति से विचलित हो गए हैं लोग और हम लोगों के इस समस्या पर कोई ध्यान उन लोगों का नहीं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसका क्या कारण है, जैसा कि सर बता रहे हैं कि आप लोगों को अपमानित किया जाता है कि अनुदान वाले शिक्षक आए। शिक्षक शिक्षक होता है, वो शिक्षा बांटता है, चाहे उसे आप पैसा दें या नहीं दें। तो ऐसी क्या वजह है कि आपको ऐसे शब्दों से अपमानित किया जाता है और आपसे जो यहाँ के वीसी हैं, जैसा सर बता रहे हैं, कि वो मिलते भी नहीं है, तो इसका कुछ वजह बताएंगे? देखिए, कारण ये है, जो एक ही जाति प्रजाति के हम लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि वो कंस्टिट्यूएंट यूनिट में है, हम एफिलिएटेड यूनिट में हैं, अंतर यही है। तो हम लोगों के साथ ये सौतेलेपन व्यवहार
जो विश्वविद्यालय और बिहार सरकार, विश्वविद्यालय को हम कम दोषी कहेंगे, इसमें हम बिहार सरकार नहीं, जैसा सर बता रहे हैं कि इससे पहले के जो वीसी थे उन्होंने नासमझी में पैसे वापस कर दिए, तो इसके लिए राज्य सरकार से ज्यादा तो विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी हुआ। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों को बार बार आश्वासन दिया जाता है, हम लोगों को बार बार बुलाया जाता है, हम लोग बार बार मिले, कई एक बार मिले, जैसा कि आपके इंटरव्यू मैंने सुना है, फारूक साहब ने हमारे माननीय वीसी भाई माने भाई चांसलर महोदय ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि हम राजभवन गए थे, हम शिक्षा मंत्री के पास गए थे, हम इन लोगों की समस्या को रखे, लेकिन हम लोगों के पास आज तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, 0/0 ही रहा। हम ये आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि आप लोग थोड़ा मदद करिए, आप मदद करिएगा तो हमारी लोग आपके साथ हैं, हमारी समस्या का समाधान आपसे ही है, उनसे बाद में है। अगर आप इसको हाईलाइट करिएगा, अगर शिक्षा मंत्री के पास तक जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री के पास तक जाएगा, हम लोग कल से उनसे मिलने के लिए अपनी ज्ञापन तैयार करके सामने रखा हुआ है, आप इसको देखिए, दीजिए ना देखिए, ये हम लोग ये रखे हुए हैं देने के लिए, लेकिन इनकी प्रशासनिक तंत्र, जबकि जनता के द्वारा चुने गए हमारे वोट से ये लोग यहाँ तक आए हुए हैं, आज इतने हाईली माने ये सिक्योरिटी में है कि पहुंच के बाहर हो गए हैं, आज जनता के द्वारा चुने हुए लोग जनता से, आज हमारे बाल बच्चे दवा के अभाव में शिक्षा में हम लोग पढ़ाने के लिए विवश हैं, हमारे बच्चे सही नहीं बन सकते हैं, इसमें हम आप लोगों को विशेष रूप से चाहेंगे कि आप लोग आगे आइए, जैसा कि आप इसको हाईलाइट भी किए हुए हैं, और इससे ज्यादा हम तो कुछ नहीं करना है। एक और बिहार सरकार और अनुदान की हमारी समस्या है, इससे और ज्वलंत एक समस्या है जो विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र का है कि हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के तीनों जिला के शिक्षक आज 2 साल से फारूक अली साहब के नेतृत्व में उन्होंने परीक्षा कराई, मूल्यांकन कराया, उत्तर पुस्तिकाओं का जांच करवाई, प्रैक्टिकल परीक्षाएं ली, लेकिन हम लोगों का पेमेंट वो आज तक नहीं की, जो इनके स्तर का चीज़ है, विश्वविद्यालय परीक्षा कराया, कॉपी जाँचवाया, परीक्षा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिया, पर रिजल्ट भी हो गया, लेकिन आज दो तीन साल से हम लोगों का भुगतान माननीय वर्तमान कुलपति के माध्यम से आज तक नहीं हुआ। आप कुछ? हाँ, पैसे के अभाव में कितने लोग के लड़के, कितने लोग की शिक्षा व्यस्त हो गया, कितने लोग लड़का को पढ़ाई बीच में ही उसको रिटर्न करा लिए, कितने लोग रिटायर हो गए, क्योंकि पैसा आज तक 10-12 साल से कोई जो अनुदान मिलता था कुछ नहीं मिला, इसके अभाव में हम लोग बहुत जाली समस्या। अच्छा, अभी आपका मुख्यमंत्री जी से मिलना हो पाया है? नहीं, इतने निव्यस्ता और इतने बैरिकेड में थे कि अपने समस्याओं को लेकर, या हम नहीं और भी बहुत से ज्यादा पब्लिक आए हैं, लेकिन किसी से मुलाकात। अच्छा, अब क्या उम्मीद है आपको यहाँ के बाद, क्योंकि यहाँ तो आपको मिलने नहीं दिया गया, यहाँ आप एप्लीकेशन दे नहीं पाए? सुबह से हम लोग खड़े हैं इस पेपर को देने के लिए, प्रशासन के प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को नहीं मिलने दिया गया, मजबूर होकर के संयोग से हम लोगों के स्नातक शिक्षक जो प्रतिनिधि हैं डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी, उनसे हमारी यहीं गेट पर मुलाकात हुई है, और अभी ये पेपर मैंने उनको दिया है, वो कहे हैं कि प्रभुनाथ बाबू हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचा देते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप जेपी यूनिवर्सिटी तीनों जिला को कवर करता है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, और वितरित शिक्षक हर जगह, हर जिले में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जैसे जो शिक्षक हैं, जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं इसे प्रताड़ित ही कहूँगा, उनकी संख्या लगभग कितनी? 235 पूरे जेपी यूनिवर्सिटी का, लगभग 400 के आसपास है, छपरा, सिवान, गोपालगंज मिला 400 के आसपास। हाँ बताइए सर, आपकी क्या समस्या और उसका क्या समाधान? समस्या है कि हम वित्त रहित कॉलेज से, हम लोग को अनुदान मिलता है, 8-8 वर्ष से अनुदान नहीं मिला है। हम इस समाधान यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि हम लोगों को मरने के कगार पर हैं, अब इस उम्र में दवा का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं, सादर हम अनुरोध करते हैं कि हम लोग को 8 वर्ष के बकाया एक मुश्त पैसा देने का कृपा करें, ताकि हम लोग में जान आए, हम लोग को बच्चों को शादी भी करने का उम्र हो गया है, घर नहीं है, द्वार नहीं है, यदि पैसा मिल जाता है तो हम लोग इस ठंडी में या गर्मी में सर छिपाने के लिए एक छोटा सा घर भी बना लेंगे। हम लोगों को ये शिक्षक के नाम पर और लेक्चरर प्रोफेसर के नाम पर
कोई हम लोग को सुविधा भी नहीं मिलता है। जैसे 5 किलो अनाज वो भी हम लोग को, लोग कहते हैं कि आप तो प्रोफेसर हैं, आपको क्या इस चीज़ की ज़रूरत है, हम लोग मुँह भी नहीं खोल पाते हैं। अच्छा, आप किस कॉलेज में प्रोफेसर? हम MBRD कॉलेज अमनौर में हैं। अच्छा, आप अमनौर को। तो जो लोग शिक्षा दान देते हैं, जो लोग बच्चों का भविष्य संवारते हैं, कई वर्षों से उनके खुद के भविष्य अंधेरे में पड़े हुए हैं और वो दर दर भटक रहे हैं। इस उम्मीद के साथ वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे कि शायद यहाँ कुछ सुनवाई हो जाए, लेकिन प्रोटोकॉल का हवाला देके उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। आगे जैसा कि ये बता रहे हैं कि अभी भी जो यहाँ के MLC हैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी, उनको इन्होंने अपना आवेदन दिया है और अब ये लोग उम्मीद में हैं कि आगे क्या होता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज़। मैं कुमार मृणाल, कैमरामैन ऋषभ के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।